हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महक होम ब्लॉग पर। और देखिए फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ये हर उस ब्लॉग से अलग है जो मैंने पहले बनाए हैं। आज का जो ब्लॉग है वो कुछ ज़्यादा ही खास है। फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बीच में मिस मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस ब्लॉग में जो है किसी के बारे में बहुत ही खास बात बताई गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको कि आज मैं आपको क्या राज बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही होगा कि मालती चौहान और विष्णु राज के बारे में क्या चल रहा है। और आप सबको ये भी पता होगा कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। तो फ्रेंड्स, देखिए आप सब जानते हैं कि मालती चौहान जो है यूट्यूब पर बहुत अच्छे से फेमस हो चुकी थी। और यूट्यूब पर ही नहीं, बाकी और भी उन्होंने बहुत सारे चैनल चला रखे थे अलग अलग ऐप्स पे, जहाँ की वे हर ऐप्स पे फेमस हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स देखिए, आइए जानते हैं इस ब्लॉग में कि ऐसा क्या हुआ जिससे कि मालती चौहान आज हम सबके बीच में नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ आज मालती चौहान और विष्णु राज के बारे में कुछ गहरे राज। तो फ्रेंड्स देखिए, मालती चौहान का कहना था कि मालती चौहान का जो पति है कि वो किसी लड़की से शादी करना चाहते थे, किसी दूसरी लड़की के साथ रहना चाहते थे। लेकिन विष्णु राज ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। विष्णु राज का कहना है कि मालती चौहान जो है वो किसी दूसरे के साथ रहना चाहती थी, किसी दूसरे से शादी करना चाहती थी। और मालती चौहान के पति ने ये भी बताया है कि मालती जिसको अपना भाई मानती थी, जिसके हाथ में अपने हाथ से राखी बांधती थी, उसी से उसने शादी कर ली। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना गलत है। लेकिन हम तो नहीं जानते ना कि क्या सच है क्या झूठ है। और फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी दिनों तक जो है उनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चलता रहा। आप सब ने देखी होगी वीडियो जो उन्होंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है इस बारे में कि उनमें कितना झगड़ा हुआ था पीछे मालती चौहान की मौत से पहले। तो फ्रेंड्स, उनमें जो है काफ़ी दिनों से इस बात के पीछे झगड़ा चल रहा था। और देखिए फ्रेंड्स, एक दिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिससे कि मालती चौहान की मौत हो गई। उसका कहना है कि यह आत्महत्या नहीं है बल्कि किसी ने उनका कत्ल किया है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या कहा जा सकता है, इस बात को तो कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, मालती चौहान के पति पर जो है पूरा शक है कि मालती चौहान के पति ने ही मालती चौहान को मारा है। और आप सबको ये भी पता होगा कि इस टाइम जो है विष्णु राज घर पर नहीं है, वो जेल में है। और फ्रेंड्स देखिए, आपने देखा ही होगा कि मालती चौहान और विष्णु राज का जो बच्चा है वो कितना मासूम है, कितना प्यारा है। उस बेचारे की इसमें क्या गलती। और फ्रेंड्स देखिए, आजकल जो है उस बच्चे का इस्तेमाल करके काफ़ी इंसान जो है वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को वायरल कर रहे हैं। और उनके लड़के के साथ अपना वीडियो बनाकर अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, अपना चैनल जो है वो मोनेटाइज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, उस बच्चे को क्या पता कि उसके साथ क्या हो रहा है और कितना मासूम बच्चा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, कितना गलत हुआ है ना इनके साथ। अब हम कह नहीं सकते कि इन दोनों के बीच में किसकी बात सच है और किसकी झूठ है। लेकिन फ्रेंड्स, मालती चौहान पर इस दुनिया में नहीं है और विष्णु राज भी घर पर नहीं है, वो भी जेल में है। तो फ्रेंड्स देखिए, मालती चौहान का यही कहना था कि उसका पति जो है किसी दूसरी लड़की को लेकर आ गया था, वो किसी दूसरी लड़की के साथ रहना चाहता था। लेकिन विष्णु राज ने जो है अपने बेटे की भी कसम खाई कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा किसी दूसरी लड़की के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी, और फ्रेंड्स जब मालती चौहान का सच जो है सामने आया कि उसने जो है जिस भाई के हाथ पर राखी बांधी थी उसी से शादी कर ली है। फ्रेंड्स, आपने वीडियो भी देखा होगा कि उसने, मालती चौहान ने अपने भाई से ही शादी कर ली और ख़ुद विष्णु राज ने सामने खड़े होकर उनकी शादी कराई। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इनमें क्या राज है,
ये क्या कहना चाहते थे एक दूसरे से, किसी को कुछ नहीं पता। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज मतलब इसमें ये भी सवाल उठता है कि मालती चौहान ने जो है एक सवाल किया था कि उसने आज तक जितनी भी कमाई की है, जितने भी यूट्यूब से पैसे कमाए हैं, जितना भी कुछ किया है, घर बनाया है, जो भी किया है, वो उसमें से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहती थी। ऐसा भी मालती चौहान ने बोला था, आज सबने सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स अभी तक मेरा कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है। फ्रेंड्स देखिए काफ़ी का सहारा है, अगर आप चाहें तो मैं कुछ कर सकती हूँ, वरना कुछ नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स आप सबसे मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स बस मेरा ये वीडियो वायरल कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।